नमस्कार दोस्तों, मुर्दे में जान फूंकने की बात किसी चमत्कार से कम नहीं, लेकिन भारतीय आयुर्वेद में कुछ ऐसी दवाएं हैं जो मरणासन्न व्यक्ति को बिस्तर से उठाकर चलाने की ताकत रखती है। ऐसी दवाओं में मकर ध्वज और स्वर्ण भस्म का उल्लेख किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार मकर ध्वज या चंद्रोदय नाम की दवा में ऐसे गुण होते हैं जिसके सेवन से शारीरिक रूप से अत्यंत कमजोर व्यक्ति भी ऊर्जावान होकर चलने लगता है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट हो और उसकी चेतना खत्म हो रही हो, ऐसे समय में उसे यह दवा खिलाने से वह कुछ समय के लिए चैतन्य हो उठता है। यह एक एंटी एजिंग टॉनिक की तरह काम करता है। इसके नियमित सेवन से बुढ़ापा जल्द नहीं आता। इस औषधि का सबसे ज्यादा प्रचलन बंगाल में है। सिद्ध मकर ध्वज में स्वर्ण भस्म भी मिली होती है। यह नाड़ी संस्थान और हृदय को ताकत देता है। यह अत्यंत कमजोर और ऊर्जाहीन हो चुके व्यक्ति में शक्ति का संचार कर देता है, जिससे वह चैतन्य हो उठता है। यह औषधि शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता को दूर करने एवं नवीन शक्ति एवं स्फूर्ति के लिए उपयोगी है। इसका प्रभाव स्नायु मंडल, बात वाहिनी, नाड़ियों, मस्तिष्क और हृदय पर भी लाभकारी होता है। इतनी गुणकारी होने की वजह से मकर ध्वज थोड़ी महंगी होती है और लोग इसमें मिलावट भी कर देते हैं। इसीलिए जब भी मकर ध्वज खरीदना हो तो बैद्यनाथ कंपनी की ही लीजिए। बैद्यनाथ कई दशकों से क्वालिटी और सही दाम में ये सब चीजें मुहैया करवाता है। बैद्यनाथ की मकर ध्वज एक ही खुराक में अपना असर दिखा देती है। रोगों में इसके सही उपयोग की विधि आप वैद्य की परामर्श से ही करें, और बिना रोग के अगर आप इसको लेना चाहें तो भी आप इसको नियमित सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की और जानकारी युक्त वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।